सो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू चैनल। इस नए चैनल के जरिए हम करने वाले एक नई शुरुआत आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए, जहां पर हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो रहेगा जेकेएसएसबी एंड जेकेपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। आप सभी को मालूम होगा कि बहुत सारे जेकेएसएसबी के जो एग्जामिनेशंस है वो लाइंड अप है। प्राइमरी अगर देखूं मैं, जो प्राइम फोकस है वो किस पे है, सुपरवाइजर एग्जामिनेशंस के लिए। दूसरा एग्जाम कौन सा आने वाला है, आपने ये भी सुना होगा कांस्टेबल की लगभग 5000 वैकेंसीज आने वाली है उस पर। थर्ड एग्जाम फॉरेस्टर का, तो ये कुछ एग्जाम्स है जो लाइंड अप है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम जेकेएसएसबी ने एडवर्टीज करने हैं, उनकी नोटिफिकेशन बाहर निकालनी है, और जिनके लिए आप तैयारी मुझे लगता है आप कर ही रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको बता दूं, एक नई शुरुआत हम करने वाले हैं। जिस तरह से साल 2020-21-22 में शुरुआत की गई, आपको पढ़ाया गया डिफरेंट टीचर्स के द्वारा, आपको ये जरूर याद होगा, उस तरह से हम वापस एक शुरुआत करेंगे और एक नया एक्सपीरियंस रहेगा, अलग लेवल रहेगा, जैसे बोल सकते हैं कि प्रो लेवल पर कोशिश रहेगी आप सबको पढ़ाया जाए। डिफरेंट टीचर्स जो होंगे अपने सब्जेक्ट्स के वो आपको पढ़ाएंगे, और मेरा जो प्राइम फोकस रहेगा वो आपको मालूम ही है, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यू कैन से डेट एंड रीजनिंग का पोर्शन है वो मैं डील करूंगा आपके साथ। और साइंस की अगर मैं बात करूँ तो जरूर फिजिक्स जो है वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो और इसके अलावा जो बाकी टीचर्स होंगे, विद टाइम यू विल गेट टू नो कि कौन कौन आपको जो है वो पढ़ाएगा। इस वीडियो के जरिए मेरा प्राइम फोकस रहेगा कि आपके साथ जो दो पर्टिकुलर एग्जाम्स, एक सुपरवाइजर की बात करूं, दूसरा मैं बात करूं फॉरेस्टर की, उनका जो सिलेबस है रीजनिंग का और मैथ्स का वो क्या है, उनके बीच में कंपैरिजन क्या है, क्या आप अगर एक अरिथमेटिक जो है पोर्शन सुपरवाइजर का वो पढ़ते हैं तो ऑलरेडी मतलब आप फॉरेस्टर का भी पढ़ चुके हैं, यानी वो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है या नहीं, और क्या रीजनिंग जो है उनमें भी जो सिलेबस कंपैरिजन किया जाए क्या उसमें सिमिलैरिटी आती है या नहीं, ये सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हाउ टू अप्रोच दीज चैप्टर्स आई विल ऑल्सो टॉक ऑन दिस। तो शुरुआत करते हैं इस नए वीडियो की बिना समय गवाए, तब तक के लिए आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए, तो जरूर आप में से जो भी पुराने स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको एहसास कुछ पुराना आया होगा, फीलिंग कुछ पुरानी आई होगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, इट डजंट मैटर कि आप सबने ये चैप्टर्स जो है वो पहले पढ़े हैं या नहीं, मेरी जो अप्रोच रहेगी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो रहेगी। दूसरी बात, इट ऑल्सो डजंट मैटर कि क्या आपने मेरे से ये चीजें पढ़ी है या नहीं, क्योंकि इस बार जो मैं करवाने वाला हूं उसमें पहले वाली चीजों से और कहीं भटकर होगा। बट शुरुआत अगेन मैं आपको बता रहा हूँ वो जीरो से होगी, बिकॉज बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आपके साथ जुड़े हैं, और मेरी नज़र हर उस नए स्टूडेंट के ऊपर होगी जो कि हाल ही में ग्रेजुएट हुआ है, जो कि जिसने पहले इन चीज़ों के बारे में जो है सुना नहीं है। बिकॉज जब हम तक ग्रेजुएशन तक हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम होता, हालांकि मैं तो चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन में भी ये सब्जेक्ट होने चाहिए, क्योंकि जब आपको जो जॉब है वो इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे मिलती है, तो ये सब्जेक्ट्स क्यों नहीं है वहाँ पर, होने ज़रूर चाहिए बट है नहीं, ये चीज़ तो सच्चाई है। शुरुआत करनी पड़ेगी, एक नई शुरुआत, और सभी के लिए ये नई शुरुआत है, मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, फीमेल कैंडिडेट्स की जब बात की जाए तो सुपरवाइजर की वैकेंसीज जो है वो आउट हुई है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, वहां पर मैथ्स एंड रीजनिंग का पोर्शन है, और इट्स डिसहार्टनिंग कि सिर्फ 10 ही नंबर का आपको ये बताया गया है, क्योंकि जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में मैथ्स का पोर्शन अकेले जो है वो 15-20 नंबर का होता है, रीजनिंग का पोर्शन अकेले 15-20 नंबर का होता है, और अगर ये कंबाइंड भी होता है तो भी 20 नंबर का होता है। तो यहां पर कंबाइन करके उन्होंने 10 ही नंबर दिए, बट अगेन ये 10 नंबर मायने इसलिए रखते हैं क्योंकि इसके लिए बच्चों को पढ़ना है। ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का 10 मार्क्स है जहां ज्यादा पढ़ना नहीं होगा और आप वहां पर करकराओगे, एंड दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑल्सो। क्लियर है पॉइंट? चलिए मैथ्स की अगर हम बात करें, देखो टॉपिक पूरा है, मतलब सिलेबस में जो एक कॉम्पोनेंट दिया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बट मैं इसको डिवाइड करूं दो पोर्शन में, जिसमें एक आ गया बेसिक अरिथमेटिक, जिसको आप मैथ्स बोलोगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी आप बोल सकते हो। चलिए यहां पर देखिए, अब बेसिक अरिथमेटिक में पहला चैप्टर आपका कौन सा आ गया, नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है, नंबर सिस्टम। अब ये चैप्टर क्या है मैं आपको बता दूं, आपने जरूर सुना होगा जो मैथ की बेसिक अप्रोच होती है उसमें बच्चे को कैलकुलेशंस जो है वो आने चाहिए, नंबर सिस्टम यानी कि डिफरेंट जो सब नंबर सिस्टम्स है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इस चैप्टर के जरिए आपको बाकी चैप्टर्स में जो है वो भी हेल्प जो है मिलेगी, इसलिए पहला चैप्टर उन्होंने नंबर सिस्टम रखा है। बट मैं ये पर्सनली मानता हूं कि परसेंटेज जो है वो ही पहला चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज से ही आपको बेसिक्स मैथ्स के पता चलने वाले हैं। ऑलरेडी अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दीज आर द टू चैप्टर्स ऑफ मैथ्स जो कि
पूरा मैथ को डिफाइन करता है, यानी पूरे मैथ्स के बाकी जितने भी चैप्टर्स है, ऑलमोस्ट 25 चैप्टर्स रहते हैं मैथ्स में। तो मैं ये बोलता हूं 23 चैप्टर जो है वो परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शनल के ऊपर डिपेंड करते हैं। उन सभी चैप्टर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके सवालों को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन में। तो ये दो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में भी जानकारी है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। दूसरी बात करते हैं हम परसेंटेज की, तो परसेंटेज में किस तरह के सवाल आते हैं ये आपको अगर नहीं मालूम है तो सुनिए जरूर। कि एक तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि आप किसी भी नंबर का जब परसेंटेज निकालते हो, मिसाल के तौर पे आप 10% निकाल रहे हो किसका, 5000 का। तो हम जो बेसिक अप्रोच है वही शुरू करते हैं, जैसे बेसिक अप्रोच क्या रहती है, 10/100 × 5000। तो इन ये आ गई वो जो हमने 8th, 9th और 10th में सीखा है। यहां पर हमें इस तरह से सवाल नहीं करने हैं, यहां पर हमें थोड़ा हटके सीखना है, क्योंकि अगर यही चीजें करनी होती तो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में आए क्यों है फिर, ठीक है। तो शॉर्टकट सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। परसेंटेज में लगभग 10 तरह के सवाल होते हैं, और मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मैंने ऐसा करा है कि मैंने टाइप्स बना दिए, यानी ये बुक्स में आपको टाइप्स नहीं मिलेगी, बट मैंने टाइप्स बना दिए कि किस किस तरह से सवाल जो है वो आते हैं। टाइप वन अलग सवाल होंगे, टाइप टू अलग सवाल होंगे, जैसे क्वेश्चंस ऑन फ्रैक्शंस होते हैं, क्वेश्चंस ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं, जिसको आप फ्रैक्शन बोल सकते हो। फिर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर चैप्टर के एंड में हम प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस करेंगे, और साथ ही जब एक टाइप कंप्लीट होगी तो भी हम उसी के साथ प्रीवियस ईयर, यानी पहले कौन सा सवाल आया इस तरह का, वो भी हम करने वाले हैं। तो परसेंटेज में वो आपको करना है, ठीक है। जब बात करें अगर हम एवरेज की, तो एवरेज में भी आपको मालूम है कि किस तरह के सवाल आते हैं। सीखना है अगर नहीं मालूम है, यानी कुछ नंबर्स दिए होंगे आपको, उनका एवरेज निकालना है, ये तो हो गया उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। बट टाइप्स में कुल मिला के जितना मुझे याद है 6 से 7 होती है, तो एवरेज के ऊपर हमने सवाल करने हैं। फिर देखो परसेंटेज आपको आ गया, एवरेज आपको आ गया, बट मैंने आपको क्या बोला, रेशियो प्रोपोर्शन भी आना चाहिए, हालांकि उन्होंने नीचे दिए बट दिए। तो परसेंटेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेशियो प्रोपोर्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके बाद कोई भी चैप्टर आ जाए आपको बहुत आसानी होने वाली है वहां पे। तो मिसाल के तौर पे आपको यहां पर एवरेज जो है वो भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया है, टाइम एंड वर्क भी दिया है। कुल मिला के चैप्टर्स कितने हो गए, 6, 3+3 6। बट मैथ्स में कितने चैप्टर्स होते हैं, मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 20+25 के करीब होते हैं, अगर मैं 3D प्रोबेबिलिटी इन सबको भी जोड़ लूं तो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। बट यहां पर आपको कितने दिए, सिर्फ 6। तो 6 चैप्टर्स आपको दिए, तो बहुत ज्यादा तो पढ़ना नहीं है आपको, बट ऐसा भी नहीं है कि हर एक चैप्टर में से एक एक सवाल आएगा, क्योंकि टोटल 6 यहां पर है और ऑलमोस्ट 4, 3, 7 यहां पर है, 13 चैप्टर्स पढ़ने, सवाल 10 ही आने हैं। तो कुछ चैप्टर जरूर ऐसे होंगे जिनमें से सवाल शायद ना पूछा जाए, बट ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो सब पढ़ना होगा, ठीक है। तो शुरुआत हम करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ परसेंटेज से, वहां से हम कहां पर आ जाएंगे, रेशियो प्रोपोर्शन में, फिर हम किस पे आएंगे, एवरेज पे, बिकॉज दीज चैप्टर्स आर नॉट इन अ सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू जेके एसएससी, बट वी विल टीच अकॉर्डिंग टू जो पैटर्न होता है उसके, डन। बात उसकी आ जाती है रेशियो प्रोपोर्शन में, मैंने आपको बात की कि रेशियो कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रोपोर्शन क्या होता है, नए सवाल हम जो है वो भी लेकर आएंगे इस बार। बात आ जाती है उसके बाद टाइम एंड वर्क की, देखिए यहां पर सवाल किस तरह के होते हैं, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, इफ बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, देन यू विल टेल अस इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टूगेदर कैन डू द सेम वर्क, यानी ए किसी काम को इतने दिनों में करता है, बी उसी काम को कुछ अलग दिनों में करता है, बट अगर ये दोनों एक दूसरे की मदद करें और एक साथ काम करें तो बताइए काम जो है वो कितनी देर में खत्म होगा, कुछ इस तरह के सवाल होते हैं। ये तो मैंने एक टाइप बोली, टाइप एक नहीं है, टाइप लगभग इसमें भी 10 है। तो आप मुझे बताओ जब आप हर एक टाइप को कवर कर लोगे तो कहीं सवाल उठता ही नहीं है कि कोई सवाल आपसे मिस हो, क्योंकि आपने हर एक टाइप कवर की जो आज तक एग्जाम्स में आई है, जो बुक्स में देखने को मिलेगी, तो कहां पर फिर आपको दिक्कत आएगी। बट आप लोगों से यही एक रिक्वायरमेंट रहेगी मेरी कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आपको उसी दिन पढ़ना है, सॉल्व करना है, बिकॉज ये सब चीज़ें जो है वो आपको YouTube पे मिलने वाली है, और पहले मैंने पेड कोर्स में पढ़ाई हुई है ये सब चीज़ें, जिन्होंने वो खरीदा होगा उनको मालूम होगा, बट यहाँ पर इस बार हम YouTube पे करने वाले हैं, तो एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो कुल मिला के हमें मैथ्स के कितने चैप्टर्स मिल गए, यहाँ पर 6। रीजनिंग पे आते हैं, देखो दोस्तों मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का वो ये कि रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि रीजनिंग के ना होते हुए वो मैथ्स के होते हैं। मिसाल के तौर पे ये नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर सीरीज जैसे आपने जरूर देखा होगा 3, 6, 9, ? बताइए अगला टर्म जो होगा वो कौन सा होगा। तो ये कहां पर रीजनिंग है, ये तो मैथ्स है ना, बट रीजनिंग भी है इसके अंडर, क्योंकि यू हैव टू फाइंड आउट द
रीजन बिहाइंड दिस सीरीज, तो रीजन आपको निकालना है कि क्यों चल रही है इस तरह से, तो ये रीजनिंग ही हुई। बट क्योंकि टर्म्स इसमें वो यूज किए जो मैथमेटिकल टर्म्स है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये भी मैथ्स का चैप्टर है, प्लस वन मोर चैप्टर जो हर बार ऐसा होता है कि JKSSB रीजनिंग में ही रखती है, नाम है उसका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर रीजनिंग में रखा जाता है, बट ये चैप्टर कहां पे रीजनिंग का, ये मैथ्स का चैप्टर है, क्लियर है। जहां पर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आपको पढ़ने को मिलेगा, ट्रेन्स के क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे, बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन नाइन्थ में याद करिए पढ़ा है आपने, आपको देखने को मिलेगा कि एक लड़का साइकिल पर चल रहा है, एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, बताइए उसकी स्पीड क्या है। ये तो बेसिक सवाल हो गया। टाइप्स उसमें लगभग 8 है, वो सभी टाइप्स कवर करनी है हमें। आगे चलते दोस्तों, अब ये जो चैप्टर्स रह गए ना, ये वाले कितने चैप्टर्स हैं, 5 और 1 6, ये चैप्टर्स हैं प्योर रीजनिंग। बात करते हैं कौन सी, लेटर सीरीज, जिसमें इस तरह के सवाल होंगे, ए ए बी मान लो, सी डी मान लो, वाई जेड मान लो, क्वेश्चन मार्क। ये तो मैंने मतलब हिट एंड ट्रायल से कोई भी सवाल बना दिया, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, बट मैं पैटर्न बता रहा हूं आपको। तो इस तरह के सवाल होंगे आपको जो देखने को मिलेंगे लेटर सीरीज में, रीजनिंग में। कोडिंग डिकोडिंग जरूर सुना होगा आपने कभी ना कभी, अगर कभी पहले तैयारी करी है, नहीं भी करी है तो ग्रेजुएशन एग्जाम्स में भी आपको अगर एंट्रेंस देना हो तो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल देखने को मिलते हैं। प्योर चैप्टर है रीजनिंग का, इसमें क्वेश्चंस 2 से 3 एग्जाम में होते ही हैं, आसान है, मुश्किल भी नहीं है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट आ गया कि इफ ए मैन इज मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन बाय 10 किलोमीटर्स एंड देन ही टेक्स द लेफ्ट टर्न, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में जाता है, कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये सब चीजें होती है इसमें, आपको बताना है फाइनली वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट, प्योर रीजनिंग। ब्लड रिलेशन, ये तो मालूम ही है आपको कि अगर एक इंसान, इफ ए इज अ फादर ऑफ बी, बी इज द मान लीजिए मदर ऑफ सी, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। अगेन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बट इस तरह के सवाल होते हैं, इसमें खूनी रिश्ता बोल लीजिए आप, या इसमें ये बोल लीजिए कि आपस में क्या रिश्ता रहता है लोगों का, उस पर सवाल जो है वो खड़े उठते हैं। आगे चलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। देखो ये है रीजनिंग के चैप्टर्स है, बट वर्ड टर्म अगर इसमें मैथमेटिकल यूज हुई है, इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ कैलकुलेशंस होंगी। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर मैंने पिछले सी सेट की बात कर लो, जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, या JKSSB के बहुत सारे एग्जाम्स की बात कर लो, एक प्रॉपर क्वेश्चन जो है मैंने हर बार देखा है, वो शायद आपने कभी सुना हो कि अगर एक कौ है, उस कौ की टांगे कितनी होती है, ये आपको खुद सोचना है। ठीक, बता देंगे कि एक इंसान के पास इतनी कौज है और उसके पास इतने मान लो पीकॉक है, तो टोटल टांगे जो होंगी वो कितनी होगी, टोटल लेग्स कितनी होंगी, या टोटल हेड्स जो है वो कितने होंगे, टोटल एनिमल्स जो है वो कितने होंगे, कुछ कंडीशंस उन्होंने आपको दी होंगी और कुछ पूछी होंगी। क्लियर है पॉइंट? तो ये इस तरह के सवाल मैथमेटिकल रीजनिंग में आते हैं। देखो अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, छोटा सा ओवरव्यू है, बट जब हम इसके अंदर डीपली पढ़ेंगे तो बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, जो हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की, तो ये एक थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। थ्योरी बेस्ड का मतलब क्या हो गया कि कुछ आपको स्टेटमेंट दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा आप इसमें से क्या कंक्लूड कर सकते हो, क्या निकाल सकते हो। क्लियर पॉइंट? और इसमें कुछ कैलकुलेशंस नहीं है, जस्ट आपने अपना माइंड यूज करना है और बताना है कि व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम द अबव गिवन स्टेटमेंट्स। तो ये था आपका बेस सिलेबस सुपरवाइजर का, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स तो इसमें अपेयर हो ही नहीं सकते, ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो मैं अब जो बात कर रहा हूं, मैं मुझे लगता है कि मोस्टली गर्ल्स से कर रहा हूं, तो उनको मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये चीजें आपके लिए आसान है, मुश्किल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ इसी एग्जाम में काम आएंगी, ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे आगे एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। अगर कांस्टेबल की बात कर दी जाए तो मैं इस वीडियो का टाइटल में भी कांस्टेबल को ऐड करूंगा, जो कांस्टेबल के लिए अगर आप कुछ भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये सब आएगा, ये सब आएगा, क्योंकि ये बेसिक है मैथ्स और रीजनिंग का। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं फॉरेस्टर सिलेबस की। ठीक है, फॉरेस्टर का जो सिलेबस है जिसमें अराउंड मुझे लगता है 250 कुछ वैकेंसीज हैं, जम्मू में भी है और कश्मीर में भी है, डिवीजन वाइज क्या फर्क है सिलेबस में, आइए बात करते हैं। देखिए फॉरेस्टर की बात करूं तो उन्होंने जो पहला चैप्टर आपको दिया है वो दिया है बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्या हो गया बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी बच्चे की कैलकुलेशन जो है वो होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। बट इसमें डीपली घुस के देखना पड़ेगा चैप्टर्स कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो चैप्टर देखने को मिलेंगे वो है परसेंटेज, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
परसेंटेज से सवाल आते हैं इसमें, रेशियो प्रोपोर्शन से सवाल आते हैं इसमें, और नहीं भी आते हो तो भी मुझे पढ़ाना है आपको परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दैट दीज आर द टू चैप्टर्स जिसपे पूरा मैथ जो है वो डिपेंड करता है, तो पढ़ना होगा हमें ये, क्लियर है। आगे चलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि आपने देखा पीछे नहीं था, किस सिलेबस में नहीं था, सुपरवाइजर के सिलेबस में डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं था। तो ये जेके पीएसआई का जब एग्जाम हुआ पीछे, पुलिस सर्विस पुलिस सब इंस्पेक्टर का, वहां पे डीआई था, सवाल पूछे गए थे, मुझे आज भी याद है, मैंने अराउंड 15 डीआईस करवाई थी और वो 15 डीआई से डीआई का हर एक टाइप जो है वो कवर होता है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी करोगे थ्रू माय नेम तो आपको ये सब चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो सो जस्ट अ सेकंड, मदर का कॉल है। जी माँ, मैं 10 मिनट लगा रहा हूँ, ठीक। जी जी जी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो मैं ये बोल रहा हूं, तो डाटा इंटरप्रिटेशन की बहुत सारी टाइप्स है जहां पे बात आती है पाई चार्ट डाटा इंटरप्रिटेशन, लाइन ग्राफ डाटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद ग्राफिकल डीआई, स्टेटमेंट डीआई, तो बहुत तरह की डीआई की है। डीआई शॉर्ट में बोलेंगे हम डाटा इंटरप्रिटेशन को, इट मींस यू हैव टू इंटरप्रेट द डाटा, यानी आपको जानकारी लेनी है डाटा के बारे में और जो भी सवाल पूछे गए होंगे उनका आपको जवाब देना है। पहले आपने देखने क्या नंबर्स दिए गए, उसका मीनिंग समझना है डाटा को, आप बोल सकते हो कि इंटरप्रेट करना है, झंझाला है, और फिर आपको जो सवाल दिए होंगे उनका सवालों का जवाब देना है। तो डीआई आपने देखा पीछे नहीं था, ठीक है, सुपरवाइजर के सिलेबस में डीआई नहीं है। आगे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑलरेडी मैंने बता दिया इसमें किस तरह के सवाल होते हैं। अगर यहां पर हमारी बात हुई है, हाँ जी प्रॉफिट एंड लॉस है, यहां पर अगेन बात कर लेते हैं, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट जिसमें सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस की बात की जाती है, कोई चीज आपने किस रेट पर खरीदी, किस पर बेची, बीच में मुनाफा कितना हुआ या फिर नुकसान कितना हुआ, ये सब सवाल प्रॉफिट लॉस में मिलते हैं। इसके बाद जो आपको टॉपिक दिया गया कंपाउंडिंग दिया गया, अब व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग, देखो ऐसे मैथ्स में सिंपल कोई टर्म नहीं है, कंपाउंड टर्म है, चैप्टर नहीं है, बट ये कंपाउंड वर्ड कहां से निकला, ये वर्ड निकला है, आपने जरूर चैप्टर का नाम सुना होगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो कंपाउंडिंग वर्ड है ये निकल रहा है इस कंपाउंड से, तो इट मींस समथिंग रिलेटेड टू सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो कंपाउंडिंग का मतलब साफ इंग्लिश से हिंदी में अगर मैं आ जाऊं तो वो होता है कि कोई चीज बढ़ती जा रही है और सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गया उसमें, उसको आप कंपाउंडिंग बोलते हो। तो वो कैसे होता है, वो होता है जब आप पैसा जमा करवाते हो बैंक में और आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो चीज बढ़ जाती है, जो पैसा आपका इंक्रीज हो जाता है, और अगर वो पैसा काफी देर तक आप रखोगे तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज आता है उसमें, उसी को कंपाउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। अपने कंपाउंडिंग टर्म अगर लाइफ में सिप के बारे में सुना हो, सिप क्या हो गया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो छोटे छोटे पैसे जो होते हैं हर महीने इंसान लगा सकता है, और वो पैसा जो है जहां जिस भी कंपनी में या जिस भी म्यूचुअल फंड में आप डाल रहे हो वो आगे अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है और आपको मुनाफा निकाल कर देती है, उसमें भी कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, यानी शायद पहले साल में आपको ज्यादा मुनाफा ना हो, दूसरे साल में मुनाफा हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, तीसरे साल में देखने को दिख रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते सडन इंक्रीज आ जाता है मुनाफे में, उसी को कंपाउंडिंग इफेक्ट बोला जाता है। तो वो हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट में ही डील करेगा ये, वो हम पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में, इट मींस वी आल्सो हैव टू स्टडी सिंपल इंटरेस्ट ऑल डन। बात आती है डिस्काउंटिंग की, देखो डिस्काउंटिंग कोई एक अलग चैप्टर नहीं है, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाता हूं तो यहां पर ही मैं डिस्काउंट भी पढ़ाता हूं, तो डिस्काउंटिंग इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी आपने जरूर सुना होगा कि हम मार्केट में जाते हैं, हमने कोई एक पैंट खरीदनी है, एक जीन खरीदनी है, और उसके ऊपर कुछ एक रेट लिखा होता है जिसको आप बोलते हो एमआरपी, मार्क्ड प्राइस बोलते हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो चीज उसके लिए मार्क की गई है, बट वहां पर क्योंकि 10% का डिस्काउंट दिया गया है तो आपको सस्ती मिलेगी, 10% सस्ती मिल जाएगी वो चीज, उसका सेलिंग प्राइस कुछ और हो जाएगा। तो समझना ये होगा जो आपको वहां पर डिस्काउंट दिया जा रहा है उस पर बहुत सारे सवाल निकलते हैं, डिस्काउंटिंग वहीं पर आता है, यानी डिस्काउंटिंग इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लोगे,
डिस्काउंटिंग अपने आप हो जाएगा। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन की मैं अगर बात करूं तो दोस्तों इसमें 2D फिगर्स, 2-डायमेंशनल फिगर्स, 3D फिगर्स, 3-डायमेंशनल फिगर्स। 2D कौन कौन सी हो गई? ट्रायंगल हो गया, देन मान लो इसी की बात कर लेते हैं पहले, रेक्टेंगल हो गया। तो इस तरह से काफी सवाल आते हैं जो 2-डायमेंशनल फिगर्स होती है। 3D की अगर मैं बात करूं, कोन हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो बहुत क्वेश्चंस कोन, क्यूब, क्यूबॉइड और भी फिगर्स हैं वो 3D में आती है, ये सब मेंसुरेशन के अंदर आता है। तो आपको मेंसुरेशन पढ़नी है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, 9th और 10th से ही उठाई गई है। कोई चैप्टर्स ऐसे नहीं है जो आपको नहीं देखने को मिले होंगे, 9th 10th में ऑलरेडी हमने ये सब पढ़ा होता है। चलिए, बट यहां पर हमारी अप्रोच अलग होगी उसको पढ़ने की। ज्योमेट्री इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो ज्योमेट्री आ गई इसमें। और मैं बता दूं VLW विलेज लेवल वर्कर का जो पीछे एग्जाम हुआ था, अगर आपने उसकी तैयारी की है तो आपने मेंसुरेशन ज्योमेट्री जरूर पढ़ा होगा। ज्योमेट्री इज अ वास्ट टॉपिक, इस पे ये सब चीजें जो आपने पढ़ी है ये तो आएंगी, इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें आ जाएंगी। तो ज्योमेट्री के अंदर जितनी भी फिगर्स होती हैं उस पे सवाल पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इसको थोड़ा सा ब्रेक करो, ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री मैं यहां पर लिख रहा हूं, ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड्स, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। जो तीन साइड्स की मेजरमेंट पे जो सवाल आते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ डील करते हैं। 9th और 10th में तो सभी ने मैथ्स पढ़ा है, यू कांट से कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पहले नहीं पढ़ा, मैथ्स उसमें था, ट्रिग्नोमेट्री भी आपने सुनी होगी। शायद ये 9th का चैप्टर है जहां पे साइन थीटा कॉस थीटा ये सब आपने सुना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में उस तरह के सवाल मिलेंगे जो कि ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, सुना है ना आपने, वो सवाल है इसमें। लास्ट, फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी। देखो स्टैटिस्टिक्स के जो फंडामेंटल है जिसमें क्या मिलेगा आपको, मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मीन, मीडियन, मोड, 9th क्लास का एक चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स, वहां पर पूछे गए थे, ग्राफ्स भी होते थे उसमें, याद है ना आप सभी को। तो ये सब चैप्टर्स आ जाएंगे किसमें, ये टॉपिक्स आ जाएंगे स्टैटिस्टिक्स में। और इन्होंने इंक्लूडिंग बोला है प्रोबेबिलिटी भी, तो प्रोबेबिलिटी के जो सवाल होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 3 हेड, सुना है आपने सब। तो ये सब भी आ जाएगा इसमें। चलिए दोस्तों, ये लाइट ऑन करना मुझे अभी याद आया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं दोस्तों। व्हाट्स द टाइम, हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी है अगर, तो मैं आगे चलता हूं रीजनिंग की बात करता हूं। तो रीजनिंग में हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग की। इन्होंने सिंपल रीजनिंग में कोई चैप्टर्स मेंशन नहीं किए, बोला है आपको लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी ये पढ़ना है। तो मैं क्लियरली बताऊं, जो भी चैप्टर्स आपने पीछे यहां पर देखे रीजनिंग के, ये सभी हैं यहां पर भी रीजनिंग में, समझ रहे हो। इट मीन्स इफ यू प्रिपेयर फॉर अ सिंगल सुपरवाइजर एग्जाम तो सिर्फ 2 या 3 चैप्टर्स ही मैथ्स के आपको और पढ़ने पड़ेंगे, रीजनिंग तो पूरी वही है, आपकी तैयारी जो है वो फॉरेस्टर के एग्जाम के लिए भी हो जाएगी। चलो मैं बता देता हूं इसमें किस तरह के चैप्टर्स होंगे। ये लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी में वही जो भी हमने पीछे देखा, क्या डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये तो बेसिक चैप्टर है रीजनिंग का। पीछे हमने देखा क्या ब्लड रिलेशंस, ये भी बेसिक है। और पीछे हमने देखा कोडिंग डिकोडिंग, ये भी बेसिक है। ये 3 चैप्टर तो आएंगे ही, बट कोडिंग डिकोडिंग, बट मैं आपको बोल रहा हूं सभी ही चैप्टर जो पीछे दिए गए हैं हमने पढ़ने, हम पढ़ेंगे, क्लियर हो दोस्तों। और अब बात आती है कंपैरिजन की, सुनो अब ध्यान से सुनो। देखो प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहां देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहां भी देखने को मिल रहा है, पीछे देखो परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन आपको यहां देखने को मिल रहा है। मैंने आपको बोला जब आप बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ोगे परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन हमें भी पढ़ना है, डन। पीछे देखो टाइम एंड वर्क यहां पर है बट आगे नहीं है, नंबर सिस्टम यहां पर है बट आगे नहीं है। तो यहां नए जो चैप्टर्स है वो कौन से हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है। ये तीनों चीजें आप में मानकर चलो कि ज्योमेट्री में आ गई, ये सब चीजें ज्योमेट्री में आ गई। फिर आगे स्टैटिस्टिक्स, और एक नया चैप्टर इसमें कौन सा देखने को मिला मुझे, कंपाउंडिंग, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्लस वन मोर चैप्टर इज डाटा इंटरप्रिटेशन। अब बेनिफिट आपको कहां होगा, ये सब अगर आप पढ़ोगे तो अनडाउटली यू विल गेट एन एज, अ बेनिफिट
किस पे, इसमें भी सुपरवाइजर के मैथ्स में भी, क्योंकि चैप्टर्स आपको जरूर ये दिए गए, बट आपको पता है JKSS भी आजकल इस तरह से चलता नहीं है, जो उसका मन करता है वो उस तरह के सवाल जो है वो पूछ लेता है। तो मैथ्स के चैप्टर जरूर वो पूछ क्वेश्चन पूछ लेगा कुछ ऐसे जो इन चैप्टर्स में नहीं है, बट अगर आपने इसकी तैयारी करी हुई है तो पिछले वाला तो सारा हो ही गया ना, और ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया आपको। रीजनिंग में देखो कंपैरिजन क्या करना, मैंने बोल दिया आपको, हाँ तो यहां लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी बोली गई है, तो ये सारे चैप्टर्स करने ही आपको, तो रीजनिंग तो सारी सेम ही होगी, और मैं कुछ एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ाऊंगा जरूर इसमें, जो कि और JKSSB के अन्य एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये कंपैरिजन था सिलेबस में सुपरवाइजर और फॉरेस्टर की आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कुछ हद तक मैं आपके पॉइंट्स को क्लियर कर पाया होऊंगा, बट बात वही है जब हम डीपली इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तब सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो दोस्तों आज के लिए रखते हैं हम इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।